फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है MBBS के लिए राउंड टू की। जैसा कि आपको पता है MCCS का राउंड टू का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी सारे स्टेट का राउंड टू का रिजल्ट आ गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ स्टेट्स के राउंड टू के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट का दोस्तों राउंड टू का रिजल्ट स्क्रीन पर लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का दोस्तों वैसे तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, परंतु दोस्तों इस बार और ज़्यादा हाई चला गया है। इतना हाई जा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 630 नंबर। दोस्तों हरियाणा से भी हाई कट ऑफ चला गया है राजस्थान स्टेट का, वो भी राउंड टू का। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में ये कट 650 के पार जाएगा? स्वाभाविक रूप से दोस्तों ये 650 के पार जाएगा। तो दोस्तों आपको देख लेना है, इस हिसाब से आपको सोच लेना है अपनी प्रिपरेशन में कैसे अफोर्ट्स डालने हैं दोस्तों, जिसके कारण आपका आने वाले साल में नीट क्रैक हो जाए, जिसके कारण आपको सीट मिल जाए। इस साल नहीं मिली है तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी दोस्तों बॉयज़ का 630 गया है, यूआर कैटेगरी गर्ल्स का दोस्तों 629 पे लास्ट एडमिशन हुआ है। GMC करौली दोस्तों यहाँ पे एडमिशन हुआ है। OBC कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 628, यहाँ पे EWS बॉयज़ के लिए देख सकते हैं 627, EWS गर्ल्स के लिए दोस्तों 626। इसमें दोस्तों बॉयज़ गर्ल्स का भी डिफरेंस किया गया है एक नंबर का, वो आप देख सकते हैं। आपको कहाँ तक ठीक लगे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी दोस्तों कट ऑफ बहुत हाई गई है इस साल की, इसके आप देख सकते हैं MBC बॉयज़ का कितना गया है 603, GMC करौली लास्ट एडमिशन, MBC गर्ल्स का 594, GMC करौली। इसके बाद दोस्तों SC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी दोस्तों सही है कट ऑफ 521, GMC करौली, GMC हनुमान गोल्ड। इसके बाद आप देख सकते हैं ST कैटेगरी बॉयज़ के लिए दोस्तों बहुत हाई गया है दोस्तों ST कैटेगरी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 507 GMC हनुमानगढ़, और दोस्तों ST गर्ल्स के लिए दोस्तों 505 GMC हनुमानगढ़। ये दोस्तों STA कैटेगरी अलग से कैटेगरी है दोस्तों राजस्थान में, यहाँ पे तो बॉयज़ और गर्ल्स की कट ऑफ सही गई है दोस्तों, यहाँ पे 359 और 358। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें पेमेंट सीट के बारे में बताइए। पेमेंट सीट क्या होता है दोस्तों? जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो दोस्तों इन्हीं कॉलेज में आपको दोस्तों पेमेंट सीट रखी जाती है, जिनकी फीस दोस्तों आप मान सकते हैं पर ईयर 5 से लेकर 7 लाख के बीच हो सकती है। आप वेरी करती है, आप वहाँ पर जाके पूछ लीजिएगा, उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बाकी इनकी पेमेंट सीट का भी दोस्तों कट ऑफ काफ़ी हाई गया है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट की पेमेंट सीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 588 दोस्तों, कभी पिछले 5 साल में दोस्तों 558 पे आपको मेडिकल कॉलेज बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाता था, परंतु दोस्तों अब यहाँ पे आपको 558 पे पेमेंट सीट मिल रही है। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों आने वाले सालों की कट कितनी और हाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं OBC कैटेगरी 587 हनुमानगढ़, EWS दोस्तों 585, EWS गर्ल्स दोस्तों देख सकते हैं 587, ऐसी दोस्तों कट ऑफ हाई जा रही है EWS गर्ल्स की देख सकते हैं 587, GMC करौली 559, MBC बॉयज़ की दोस्तों देख सकते हैं GMC हनुमानगढ़, SC कैटेगरी दोस्तों देख सकते हैं बॉयज़ के लिए 385 और SC के लिए गर्ल्स के लिए दोस्तों 382 GMC धौलपुर मिला है, ST बॉयज़ के लिए दोस्तों 339 बिना GMC 393 GMC हनुमानगढ़ मिला है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको कुछ और स्टेट के कट ऑफ के बारे में बताते हैं, जिसके आपको अंदाज़ा बन सके इस साल कितनी हाई कट ऑफ जा रही है MBBS की। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, MBBS की कट ऑफ हाई जा रही है तो आयुष कोर्सेस और दोस्तों VCI की कट ऑफ हाई जाना स्वाभाविक रूप से बनता ही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर हरियाणा स्टेट की राउंड फर्स्ट की कट ऑफ लिखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 625 फॉर राउंड फर्स्ट कट ऑफ गई थी दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राउंड टू में दोस्तों बस 2 नंबर का ही दोस्तों कम हुआ है हरियाणा स्टेट के अंदर, दोस्तों देख सकते हैं राउंड टू की कट ऑफ 623 गई है। परंतु दोस्तों UP में उल्टा ट्रेंड चला गया है, काफ़ी सारे बच्चों ने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जिसके कारण कट ऑफ कम गई थी दोस्तों राउंड फर्स्ट की। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं 626 दोस्तों राउंड टू की कट ऑफ गई है। इसके का आपको क्या पता लगता है, हर बार हर स्टेट में अपग्रेडेशन करवाना भी ठीक नहीं है, आपका डिग्रेड भी हो सकता है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों को अभी वो कॉलेज नहीं मिला हो जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए करवाया होगा, ऊपर से डिग्रेड के लिए और कॉलेज मिल गया होंगे, तो आपने दोस्तों ऐसे नहीं करना है, हमारी काउंसलिंग एडवाइस को फॉलो कर लेना है, जिसके कारण दोस्तों आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल सके। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर अपग्रेडेशन के दौरान तो हमें कॉलेज मिल ही जाएगा, हमारा 600 नंबर है, ऐसा थोड़ी होगा बच्चों, आपको ऐसा थोड़ी मिल जाएगा कि राउंड फर्स्ट की आपकी कट ऑफ गई है 615 और आपको अपग्रेडेशन के दौरान 600 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कम सिनेरियो में होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि कट ऑफ हाई भी जा रही है किसी किसी स्टेट की, आपकी देख सकते हैं कीम काउंसलिंग, तो दोस्तों कीम काउंसलिंग था उसमें जो पेमेंट सीट थी, पेमेंट सीट के अंडर आप देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया है दोस्तों कीम काउंसलिंग का 539 पेमेंट सीट के लिए, केरला स्टेट में कट ऑफ गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं लास्ट एडमिशन 539 पे हुआ है, तो इसके अलावा आपको पता लग जाएगा, एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा दोस्तों, जो बच्चे VCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और आयुष काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना हाई कट ऑफ जाने वाला है। इसके अलावा आपको दोस्तों किसी भी स्टेट का दोस्तों कट ऑफ जानना हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको आने वाली
वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। और आपकी 1 सितंबर से दोस्तों आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको दोस्तों हम सारी डिटेल प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों AAACC की कोई भी आपको दोस्तों काउंसलिंग करवानी हो आप कोर्स के लिए दोस्तों आप हमारे इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए दोस्तों टेलीग्राम लिंक के द्वारा। वो दोस्तों अभी बस आज और कल का दोस्तों ऑफर बाकी है, जिसमें आपको दोस्तों 1999 में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपकी दोस्तों काउंसलिंग से लेकर आपको कॉलेज अलॉटमेंट तक साथ दी जाएगी। इसके अलावा बाद में कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है उसके चार्जेस दोस्तों 3999 हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने प्री रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अपना ऑफर लगा रखा है, जिसके कारण उनकी सीट्स क्योर हो जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।